जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य की मनमानी सामने आई है। मामला श्योपुर जैदा मंडी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय का है, जहां पर दीपावली की छुट्टी के बाद विद्यालय लौटे बच्चे सुबह से शाम तक स्कूल के गेट पर खड़े रहे। बच्चों की गलती सिर्फ इतनी थी कि 27 अक्टूबर के स्थान पर बच्चे 30 अक्टूबर को विद्यालय पहुंचे, लेकिन सुबह से शाम हो जाने के बाद बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया। बता दें कि प्राचार्य की मनमानी के चलते ना तो स्कूल के स्टाफ ने बच्चों की सुध ली, ना ही प्राचार्य बच्चों से मिलने आए। नवोदय स्कूल में प्रवेश को लेकर बच्चे और पालक सुबह से लेकर शाम तक स्कूल के गेट पर खड़े रहे, लेकिन ना तो बच्चों को प्रवेश दिया गया और ना ही किसी ने बच्चों से बात की। सूचना के बाद भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सरोज तोमर नवोदय विद्यालय पहुंची, जहां पर भाजपा की महिला नेत्री के निवेदन अनुमोदन के बाद नवोदय विद्यालय के प्राचार्य कटारे नवोदय के मेन गेट तक आए और भाजपा नेत्री से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हम ना तो किसी जनप्रतिनिधि की बात मानते हैं, ना ही कलेक्टर की बात मानते हैं और ना ही मिनिस्टर की बात मानते हैं, विधायक सीएम की बात भी हम नहीं मानते। अब ऐसे में नवोदय के प्राचार्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की बात मानने से इनकार कर रहे हैं, तो नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं को आखिर छुट्टी से लौटने के बाद विद्यालय में प्रवेश दिलाएगा तो दिलाएगा कौन? ऐसे में एक विचारणीय प्रश्न ये है कि प्राचार्य ने किसी की बात ना मानकर कहकर खड़ा कर दिया है, जहां बच्चों को प्रवेश कैसे मिलेगा ये समझ से परे है। चाय पी के जाएंगे वो तो हमको चाय पिलाएंगे। हाँ। हम किसी दिन जनप्रतिनिधि आप ये सोच रहे हो कि मैडम को बाहर से बाहर रवाना करने नहीं जाएंगे? विधायक की मानते हैं ना, सीएम की मानते हैं, किसी की नहीं मानते। मैं आपको बता दूं, किसी की मानते ही नहीं। सब जो हमें जानते हैं सब जानते हैं कि जनता किसी की नहीं मानता। तो 12 बजे से खड़े हो? 12 बजे से खड़े हैं, शाम के 5 बज चुके हैं। बज गए देश का नंबर एक जैसे कोई 100 किलोमीटर से आया है, उसको परेशान नहीं? ऐसा नहीं है, लोग जाने नहीं, वापस जाना अभी तो वो आ ही रहे हैं। कुछ कारण बन जाते हैं, हमारे साथ पहली बार हुआ, पहली बार हम लेट आए।